वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के टोल गेट के करीब वहां से गुजरने वाली एक कार, तब उनको वहां के टोल गेट के सिबंदियों को, कामगार को, इस गाड़ी पर शक हो गया है। फिर वहां से उस गाड़ी को रुकाकर अगर पूछताछ करने के बाद किसी ने गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति कोई चाकू खंजर से इनको मारने की कोशिश की और इनको धमकी देने की भी कोशिश की, तब इनको पता चल गया ये गाड़ी यानी कि ये कार चोरी की है। तब उन व्यक्तियों को पकड़ने के लिए वहां के टोल नाके के सिबंदी पीछे पड़ गए तो यहां से जंगल से फरार हो गए। अब ये केस विजयपुर शहर के ग्रामीण पुलिस थाने पर तो यहां पर तो दाखिल हो गया है और ग्रामीण पुलिस थाने वाले ढूंढने लग गए हैं। आखिर चोरी करकर ये कार किससे बेचने के लिए विजयपुर शहर को आ गए थे और कौन खरीदने वाला है और कौन गाड़ी गायब करने वाले हैं? ऐसा कौन सा भगार वाला है जो गाड़ियां तोड़ फोड़ करते हैं और इस गाड़ी को मिटा देते हैं? अब हम इसी तलाश में कई दिनों से हमारा वास्तव न्यूज चैनल जुड़ा हुआ है। आखिर विजयपुर शहर में गाड़ी खरीदने वाला कौन है, जो चोरी के गाड़ियां खरीदकर मिटाकर भंगार में डालने वाला आखिर कौन है? तो हम सर्च में रहेंगे, अगले एपिसोड में दिखाएंगे। आखिर ये तो गाड़ी बेंगलुरु की लगती है, अगर वहां से यहां तक अगर इसी गाड़ी पर आकर यहां पर किससे बेचने वाले थे ये लुटेरे, चोर, डकायत? आखिर कौन खरीदने वाला था? अब इसका जवाब पुलिस वाले ही दे सकते हैं, ग्रामीण पुलिस वाले ही दे सकते हैं। आखिर चोर कब मिलेगा ये अगले एपिसोड में देखेंगे। एक रिपोर्ट।